गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारा थर्ड चैप्टर आत्म विश्वास। आज हम लेसन रीड करेंगे। एक बार किसी स्कूल का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। घोषित का यहाँ है कि वार्षिक परिणाम बताया गया। स्कूल के प्रिंसिपल के पास विद्यार्थियों के नाम बोले और उन्हें पास होने की बधाई दी। एक विद्यार्थी प्रिंसिपल द्वारा बोले गए परिणाम से नाखुश था क्योंकि उसका नाम नहीं बोला गया था। उसने तुरंत खड़े होकर प्रिंसिपल से निवेदन किया। उसने कहा, सर, मेरा नाम नहीं बोला गया। प्रिंसिपल ने कहा कि जिनका नाम नहीं बोला गया वे बच्चे फेल हैं। किंतु वह बालक बहुत आत्मविश्वासी था, अर्थात उसको अपने आप पर विश्वास था कि नहीं, मैं फेल नहीं हो सकता। जब उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता तो प्रिंसिपल ने उसे 5 रुपये जुर्माना कर दिया। उसके बार बार कहने पर प्रिंसिपल ने जुर्माना बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया, किंतु वह बालक अपनी बात पर अड़िग रहा। इतने में स्कूल के क्लर्क ने प्रिंसिपल के पास आकर कहा, सर, क्षमा करें, यानी माफ़ करें, आपको जो पास विद्यार्थियों की सूची दी गई है उसमें एक विद्यार्थी का नाम टाइप होने से रह गया था। कृपया पास विद्यार्थियों की सूची में एक विद्यार्थी का नाम और जोड़ लें। यह वही विद्यार्थी था जो प्रिंसिपल से अपने पास होने का दावा कर रहा था। वह केवल पास ही नहीं अपितु उसके अंक भी कक्षा में सबसे अधिक थे। बच्चों, यह बालक और कोई नहीं था बल्कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने। ये था बच्चों आज का हमारा थर्ड चैप्टर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। स्टे होम, स्टे सेफ।